Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हाय, मैं हूँ स्मृति खन्ना। शायद आप मुझे ऐसे पहचान नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैं यूजुअली इतना नहीं सजती, और उसका एक खास रीज़न है। वो रीज़न है, आज है मेरा पहला करवा चौथ और मैं कर रही हूँ बहुत ही बेसब्री से अपने हस्बैंड का इंतज़ार। वो इसलिए क्योंकि मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ और क्योंकि आज है मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल दिन, और मैं टेली मसाला के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे बिताया मैंने आज का पूरा के पूरा दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अपने सजना के लिए, और बस अब एक चीज़ और रह गई है, वो है मुझे पूजा की थाली सजानी है, और चांद तो कभी भी बस निकलने ही वाला होगा और गौतम भी आने वाला होगा, तो चलें, लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं तो अपने करवा चौथ के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो है थाली सजाना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को लेकर मैं पूजा करूँगी। तो जब तक अभी तक चांद नहीं निकलता और मेरे पति देव घर पे नहीं आते, तब तक मैं फटाफट थोड़ा और टाइम पास करती हूँ और अपने पूजा के थाल को अच्छे से सजाती हूँ। मतलब अच्छे से का मतलब, लेकिन ये नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फैंसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती और मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन ये वो, मैं हर चीज़ सिंपल रखना ही पसंद करती हूँ। तो मेरा थाल भी आप देखेंगे सिंपल और बेसिक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा थाल जिसमें सारी बेसिक चीज़ें रखी हैं मैंने। ये पानी बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत प्यासी हूँ सुबह से, तो गौतम मुझे इसी से पानी पिलाएंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी मेरे लिए। ऑफकोर्स थोड़ा प्रसाद मुँह मीठा कराने के लिए, कुछ मीठा होता है जिससे हम फास्ट खोलते हैं सबसे पहले, ये भी बहुत ज़रूरी है। खुद तो खा पी के आएगा अच्छे से, मैं तो भूखी हूँ ना। और ये दिया है जिसमें मैं उनकी आरती करूँगी, एक्स्ट्रा दिया रखा है जस्ट इन केस। और ऑफकोर्स कुछ कुमकुम और चावल तिलक करने के लिए। तो ये है मेरा थाल, बहुत ही सिंपल और बेसिक है, लेकिन जो जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सब हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट टणा, जिसमें से मैं गौतम को देखूंगी छलनी। स्मृति, नॉर्मली करवा चौथ पे लड़कियों का दिन बीतता नहीं है, तो आप अपना दिन किस तरह बिता रही हैं, वैसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। वैसे सच बताऊं तो बहुत ही मुश्किल हो रही है क्योंकि भूखी और प्यासी हूं मैं, इसीलिए आज कुछ ज्यादा ही इंतजार है गौतम के आने का। तो लेकिन मैंने अपना दिन बहुत ही वाइजली बिताया है, मैंने किया है बहुत सारा श्रृंगार जैसे आप देख सकते हैं। और अगर एक लड़की को आप मेकअप और अच्छे कपड़े और ज्वेलरी दे दीजिए तो उसका उससे अच्छा टाइम पास हो ही नहीं सकता, तो बस मैंने भी वही किया। बहुत वक्त लगाया रेडी होने में, तो आधा दिन तो ऐसे ही गुजर गया, बाकी टाइम मैंने पूजा की थाली को रेडी करने में बिताया। और अब मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड को और चांद का इंतज़ार, तो पता नहीं कब आएंगे, बस कभी भी आने ही वाले होंगे। अच्छा, आप जिस फैमिली से हैं वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो कितने टिप्स फैमिली ने आपको दिया है कि क्या क्या चीज़ें करनी है? एक्चुअली मुझे दो फैमिली से बहुत टिप्स मिले हैं, एक मेरी फैमिली क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी हुई है मारवाड़ी फैमिली में, तो उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, पर हैं सब लोग क्योंकि इंडियन हिंदू कल्चर तो कुछ ना कुछ मिला जुला होता है, लेकिन ऑफकोर्स दे आर एंड बोथ द फैमिलीज आर वेरी रिलीजियस एंड सब बहुत हर चीज़ ट्रेडिशन त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। और जब हमने इनिशियली डिसाइड किया था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो दोनों फैमिलीज बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं, हमें फेरे चाहिए, हमें हल्दी चाहिए, मेहंदी चाहिए, तो इसीलिए हमने सारे के सारे रिचुअल्स भी किए थे। तो वैसे ही उनके लिए करवा चौथ, दिवाली, हर त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई एम गेटिंग टू लर्न अलॉट।
अच्छा, जब गौतम आपका साथ देने यहाँ पर आएंगे तो मैं आप लोग की लव स्टोरी को जरूर जानना चाहूंगी, किस तरह शुरुआत हुई। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज सब कुछ गौतम बोलेगा, ये एक सीक्रेट है। और कभी भी हमने इस बारे में ज्यादा शायद मीडिया में तो बिल्कुल भी बात नहीं की। फ्रेंड्स भी पूछते रहते हैं और हमेशा मुझे जवाब देना पड़ता है, तो आज सारे के सारे क्वेश्चन गौतम आंसर करेगा। और इसी के साथ हम कुछ गेम भी खेलेंगे जहाँ हम ये देखेंगे आप दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा जानते हैं। उसी के साथ खेलना, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको, मैं पहली बता रही हूँ मैं जीत जाऊंगी। और उसके साथ ही गेम्स पक्का खेलना। वैसे ही वो बहुत मीडिया शाय है, कभी मीडिया में नहीं आता। मैंने बहुत मुश्किल से उसको कन्विंस कर करके मैं उसे यहाँ पे घसीट के लेके आई हूँ। तो आई थिंक, और मैंने उसको ये भी बोला था कि आज तुम्हें भी इंडियन कपड़े पहनने पड़ेंगे, पर पता नहीं पहनता है कि नहीं। वो भी एक सरप्राइज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। So, चलिए देखते हैं कि गौतम भी शायद आ चुके हैं। हाँ, शायद मुझे ऐसी खटपट आवाज तो सुनाई दी है कुछ। लेट्स सी, गौतम और चांद आज दोनों का मुझे इक्वल इंतजार है एक्चुअली। हाय, हम सुबह से मैं इतना भूखा हूँ ना, पर अच्छा, यू आर भूखा, ऑफ कोर्स, इट्स माय फास्ट, मेरी भूख मिल गई, मिट गई है। यू लुकिंग सो हॉट, लुकिंग हॉट, आई रियली लाइक इट। चलो, लुक तो पसंद आ गया, गुड। कम कम कम, मैं बहुत बरसों से कर रही हूँ आपका इंतजार। सो स्मृति और गौतम, इंतजार कहीं ना कहीं स्मृति आपका खत्म हुआ। गौतम, इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि काफी टाइम से भूखी प्यासी बैठी हुई। क्या करे मुंबई की ट्रैफिक। पर एक सच बात मैं कहता हूँ कि मैं खुद सुबह से भूखा हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी नहीं खाऊंगा, यू नो, जस्ट टू मेक। ये बात मुझे नहीं पता थी और ये मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज मिल गया है। मैं इस बात पे गौतम को एक किस देना चाहती हूँ। थैंक यू। और इससे भूख बिल्कुल मिट चुकी है, क्योंकि अब किस मिल चुका है। ये बहुत कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहा है अभी, क्योंकि इसको किस से कोई भूख नहीं मिटी है। व्हेन वैसे मैं बना एक्टिंग के लिए मैं क्या करूं। ठीक है गौतम, जैसे मैंने स्मृति से इससे पहले बात किया तो उन्होंने कहा कि इस बार सारे सवाल आपसे होंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी इस प्यार की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन टोल्ड आई एम अ मैन ऑफ नो वर्ड्स, नॉट इवन फ्यू वर्ड्स, बट सिंस यू वांट मी टू स्पीक, आई मीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल टेल्स। क्या बताऊँ, अचानक से किस तरह शुरू हुआ मैं खुद एहसास नहीं हुआ, कि अभी भी सोचता हूँ कि वी आर एक्चुअली मैरिड, ये सच है। मैं बोलते रहते हैं एक दूसरे को। हाँ, हमें अभी भी विश्वास नहीं होता, एक साल होने वाला है शादी को, बट वी कीप वंडरिंग कि हाँ शादी हो गई है, लाइक सीरियसली। हमें अभी बहुत सारे साल और साथ में आराम से रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सो ये सवाल का जवाब बहुत अजीब था। कैसे हुआ प्यार, बताइए, तो पहली मुलाकात को। द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो। व्हाइल वी वर शूटिंग वी नेवर, हमें ऐसा नहीं लगा कि हम यू नो एक साथ रहेंगे या शादी हो जाएगी हमारी। एक दिन अचानक हम किसी पार्टी में मिले एंड वी स्टार्टेड डांसिंग एंड ऑल दैट, एंड देन आई थिंक इट धीरे धीरे बढ़ता गया और हम मिलते रहे, और बस एक दिन जैसा होता है वैसा हो जाता, जैसा होना चाहिए वैसा हो गया। आई थिंक ये बिल्कुल सच आंसर है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था, हमारी धीरे धीरे दूरियों से नजदीकियां बढ़ गई। यहाँ क्या कंपटीशन चल रहा है, मुझे पता नहीं था कि तो मेरे को लगा कि कोई गप मार देगा यहाँ पे कैमरा पे, तो मैं बोल रही हूँ हाँ सच बात बोली है, तो इसमें क्या हो गया। अच्छा स्मृति, ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो गौतम में आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सब बहुत पसंद है इसमें। और आज तो इसने इंडियन कपड़े भी पहन लिए मेरे कहने पे, तो मतलब ही इज लाइक एन आइडियल हस्बैंड अभी तक तो है। देखो, सब बोलते हैं फर्स्ट ईयर बहुत परफेक्ट होता है, तो हमारे लिए भी बहुत परफेक्ट ही था। अभी आगे आगे देखो होता ये है, सच है या नहीं है, मैं तो मान लेता हूँ सच है, यू नो, लेट्स बी पॉजिटिव। एक्चुअली मुझे गौतम की बहुत सारी क्वालिटीज बहुत पसंद है, एंड आई थिंक वी परफेक्टली बैलेंस ईच अदर, क्योंकि नहीं अब तो गौतम भी बहुत बोलता है, ऐसी बात नहीं कि पहले ऐसा था कि सिर्फ मैं बोलती हूँ वो सुनता है, तो मेरे को परफेक्ट लड़का मिल गया है। लेकिन अभी वो भी बोलता है तो मैं भी सुन लेती हूँ। अच्छा, आफ्टर मैरिज कितनी चेंजेस आप दोनों में आए हैं, जब आप हस्बैंड या बिल्कुल वैसे ही हैं? एज इन खुद के लिए या एक दूसरे के लिए या कैसे? खुद के लिए मैं ऑलमोस्ट वैसे ही हूँ, सुबह जल्दी। हाँ, क्योंकि देखो घर इसी का है, सब इसी का है, इसको तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के तो मैं आई हूँ, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कितने चेंजेस आए हैं। बट एवरीथिंग हैज बीन लाइक अ गुड चेंज एंड अ पॉजिटिव चेंज, सो आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। मेरा जैसे मैं लाइफ स्टाइल था वो चेंज हुआ फॉर द गुड, एंड ऑल्सो सब कुछ
अच्छा ही हो गया है. Why are you looking at me like that? नहीं नहीं ये रिकॉर्डिंग में रख लेता हूँ ना, काम आएगा कभी. ठीक है. ओके कुछ गेम है मेरे पास जो मैं चाहती हूँ आप दोनों खेलें. और एक चिट है, एक एक चिट निकालना है और आप दोनों को आंसर करना है. इतने सारे? नहीं निकालो ना. पांच चॉइस तो मिलेगी. हाँ चलो. लेडीज फर्स्ट बोलते नहीं है. ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है. Who takes longer to get dressed? अब आप बताइए इधर कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था. You have to answer this question. पहले मैं तो बाहर से आया हूँ तो मैं पहले कैसे आऊँगा? नहीं पर आंसर कर दो honestly इसको. Honestly ये कह रहा हूँ कि देखिए मुझे ये you know very well कि किसे ज़्यादा वक्त लगता है. मुझे पहले बताना पड़ता है कि हम कहीं हमें कहीं जाना है. ठीक है मुझे ज़्यादा लगता है लेकिन हमेशा मैं वेट करी होती हूँ क्योंकि गौतम को लगता है मुझे बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ. पर गौतम जब ब्लो ड्राई करता है ना बाल तब उसको बहुत टाइम लगता है. अगर उसको ब्लो ड्राई नहीं करना, नॉर्मली हमें जाना है तो वो दो मिनट में रेडी हो जाएगा. लेकिन अगर हमें पार्टी में जाना है और अगर बालों को करना पड़ गया ब्लो ड्राई तो मैं रेडी हो जाऊंगी, मेकअप कर लूंगी, 10 कपड़े ट्राई करके देख लूंगी, सब करके आ जाऊंगी. पर गौतम का ब्लो ड्राई. सो अब नेक्स्ट गौतम उठा है. बोलो. When did you know I was the one? अच्छा वन सेकेंड, यू हैव टू आंसर फर्स्ट नाउ. यू पिक्ड अप. हाँ when did you know I was the one? You tell me. When did you know? The question is. हाँ मैंने उठाया, आपको जवाब देना है. When मतलब डेट. कब आपको ऐसा महसूस हुआ, एहसास हुआ? क्योंकि मुझे महसूस और एहसास एवरी डे के साथ और ज़्यादा होता जा रहा है कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि ही इज द वन. एक्चुअली इट स्टार्टेड ऑफ कोर्स व्हेन वी स्टार्टेड मीटिंग एंड डेटिंग एंड गोइंग आउट. तब मुझे गौतम बहुत पसंद आए. ऑब्वियसली दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड. बट आई थिंक गौतम से भी पहले मैंने शायद डिसाइड कर लिया था कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू हिम क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा बंदा है. लेकिन उसके बाद गौतम को भी धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ होगा और फिर हमारी शादी हुई. बट आई वुड लाइक टू ऐड कि शायद मैंने जितना उस टाइम पे मेरी इंटेंसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है आफ्टर आई स्टार्टेड लिविंग विथ हिम एंड गेटिंग टू हिम. अभी हमारी एक्सप्लोरिंग वाली स्टेज ही चल रही है शायद. एंड द मोर आई एक्सप्लोर. वेरी कंफ्यूजिंग आंसर. ये अभी तक एक्सप्लोर ही कर रही है. इनको पता ही नहीं है कब से एहसास हो ही रहा है. हाँ, अभी तक एहसास तो खत्म नहीं हुआ. अगर बढ़ रहा है एहसास तो कुछ गलत है क्या? अश्योरिटी नहीं है मतलब. अश्योरिटी थी लेकिन अब वो और बढ़ गई है. तो अभी मेरा क्या कहते हैं उसको, वो गंभीर हो गया. जान लीजिए दोस्तों कि हाँ अभी तक गंभीर होते जा रहे हैं. हाँ तो कुछ रॉन्ग है. कुछ भी अगर लोगों को ऐसा होता है कि वो श्योर होते हैं और फिर शादी के बाद कहते हैं अरे ये तो गड़बड़ कर दी, गलत डिसीजन था. अभी मेरे को और पक्का हो गया कि बिल्कुल सही डिसीजन था. तो इसमें क्या गड़बड़ है? नहीं नहीं गौतम सोचने दीजिए स्मृति को. हाँ जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल हो गया मेरा आंसर खत्म. अब तुम बताओ. अच्छा आप उठाइए. नहीं अच्छा ऐसा है कि एक उठाएंगे और दोनों आंसर देंगे है ना? नहीं ऐसा नहीं है. हाँ. अच्छा मुझे भी आंसर देना है. उस पे आपसे पूछ ली है तो आपको देना आंसर. हाँ तो मैंने तो कहा ना कि जब हम मिले थे हमें ऐसा लगा कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और बस यही हो गया. वहीं से मेरा उसी समय हो गया. उसके बाद कुछ चेंज नहीं हुआ. वैसे ही है फिक्स है आंसर. लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज होती हैं शादी से पहले ही. हाँ लेकिन मैं नहीं थी. मेरा कठोर था डिसीजन जो भी कहते हैं उसको. तू बताना हिंदी वर्ड. हाँ और एक और बात, मैंने करवा चौथ पे प्रण लिया है आज के दिन. मेरा रेजोल्यूशन लोग न्यू ईयर पे लेते हैं वो कि मैं इसको आप बुलाऊंगी इनको. माय गॉड यार ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई फ्रेंड्स होते हैं और फिर वो डेट करने लग जाते हैं. तब वो तू होते हैं कि तू ये कर ले तू वो कर ले. वो आप तो होते नहीं है. और अब शादी हो गई तो वो आदत पड़ गई. तो अभी कैसे चेंज होगी? अब बहुत फनी होता है. फैमिलीज के सामने कई बार मैं कहती हूँ कि तू भी खा ले तो सब लोग देखते हैं और फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया. तो इसीलिए मेरा न्यू रेजोल्यूशन है एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूंगी पक्का. ऑल द बेस्ट फॉर योर रेजोल्यूशन. नाउ माय टर्न. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? डेटिंग मंथ्स? डेट टाइम मंथ. अच्छा ओके ओके. सो हमारी शादी हुई थी लास्ट ईयर 23 नवंबर को. मेरे को ये इनसे पूछना चाहिए इसको एनिवर्सरी की डेट याद भी है कि नहीं. पर फिर भी मैंने आंसर दे दिया. मैंने डेट कितना दिन एक साल में बाकी है वो ये बताया. हाँ अब 23 नवंबर है तो 23 नवंबर की और अक्टूबर में आज क्या डेट है? 14 16 नहीं आज करवा चौथ है 27. एक महीना भी नहीं रह गया. ओह शिट ओके ठीक है.
ठीक है, तो एक महीने से भी कम रह गया, मतलब बेसिकली कितने दिन हो गए? 23 डेज, 24. See, being with her, I lose track of time also. That's what it is. Nothing else. No. Basically, he's lost in life. So being with me, not being with me, wherever he is, he will lose track of time, this, that, everything. मतलब खो खो के मैं सरप्राइज दे देता हूँ. I'm lost in life और मैं दिल्ली पहुँच जाता हूँ बर्थडे के लिए. हाँ. Okay. Whatever. अच्छा, next मुझे उठाना है. Last question है आपका. उठा लो. Who's better at managing finances? I'm very bad at managing finances, but yeah. I am. I don't know how I am. So I can. You're fine. I think ठीक ही होंगे. Actually, finances की इतनी कभी कोई बात नहीं हुई. Shopping तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ, तो वो कोई बात ही नहीं ऐसी. पर मैंने गौतम को भी थोड़ा थोड़ा बिगाड़ दी अपने साथ. He is also started shopping little bit. जो वो जो इंसान 5 साल में एक बार शॉपिंग करता होगा, वो अब मतलब एनुअली तो कर ही लेता है. अच्छा, ठीक है. क्यों, ये झूठ है तो बता दे, बता दो. बताइए. हाँ, अभी तक आप शुरू नहीं हुए. हाँ, हो गया. नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है. यू शॉप अ लॉट. मैं शॉपिंग इतना नहीं करता हूँ जितने आप करते हो, बट हाँ, यही तो बोला है. अब क्या करूँ, मुझे मेरे यू नो जगह से ही निकाल दिया गया, जगह ही नहीं है कपड़े रखने की. नहीं, क्या करूँ. ये भी बात झूठ है. एक्चुअली गौतम के पास एक बहुत बड़ी वार्डरोब थी, जिसमें उसने कहा कि नहीं, यू शुड कीप योर क्लोथ्स इन दिस. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगी. तब मेरे पास इतने कपड़े थे नहीं जब मैं आई थी. ऑफकोर्स सब बाकी के पुराने कपड़े डिस्कार्ड करके आ गई, तो मैंने उनको फैला फैला के रख दिया. लेकिन अब वो सारी कबर्ड्स में इतना ठूस चुकी हैं कि उसमें एक कपड़ा रखने की भी हालत नहीं है. और अब गौतम वॉन्ट्स द कबर्ड्स बैक, तो मैं कहाँ से दूँ, उसमें तो भर गए ना कपड़े सारे. ये हुआ है. तो शॉपिंग करना 5 साल बाद. नहीं, मैं मेरे लिए मैं 5 दिन भी नहीं रह सकती बिना शॉपिंग के. मतलब अगर जिस दिन शॉपिंग नहीं करूंगी, उस दिन ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही लेती हूँ. मतलब अच्छा, गौतम करवा चौथ है और कुछ गिफ्ट देना बनता है वाइफ को, तो इस बार क्या प्लान किया है, क्या देने वाले हैं? सरप्राइज आप तोड़ नहीं सकते, ये गलत. मैं सरप्राइज के लिए फेमस हूँ. वेरी गुड सरप्राइज आपको इंस्टाग्राम में जरूर मिलेगा. डेफिनेटली वॉच इट आउट, वॉच इट, वॉच हर्स. ओके, तब आप आगे हम करवा चौथ का वो रस्म करते हैं जो आपको करना है. पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया है, पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं खुद जब आप लोगों के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, पति पत्नी कम दोस्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देंगे जो अभी शादीशुदा अभी जस्ट हुए हैं? और जल्द एडवाइस देने के लिए, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि दोस्त बनकर रहो. और अगर आप देखें तो मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि जब आप दोस्त होते हैं ना, दोस्त को हम हमेशा माफ़ कर देते हैं. तो वैसे ही एक पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, कि एक्सपेक्टेशंस वैसे ही रखें जैसे एक दोस्त हैं, तो कभी झगड़ा नहीं होगा. फिर दोस्त हमेशा करीब रहता ना, इसीलिए तो मुझे ये बहुत पसंद है. बिल्कुल सही बात बोल देता है ये. या वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, और हम हर टाइम एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं. आई थिंक दैट वर्क्स वेल फॉर अस, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई छेड़खानी है वो. एंड ही सेड इट राइट, आई थिंक जितने आप लोग फॉरगिविंग होते हो, उतने आप छोटी छोटी चीज़ों को भुला सकते हैं और वो लड़ाइयाँ कम होंगी. एंड इट विल बी अ गुड लाइफ. गुड लाइफ इज ऑलवेज अ गुड लाइफ. या अच्छा, लास्टली टेली मसाला के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस करवा चौथ के इस मौके पर? मैं यही कहूँगा कि हमें हमारी सारे जो रिचुअल्स हैं ना, उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए. यू नो, अब मुझे ऐसा और एहसास हो रहा है जब मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो हमेशा कहती रहती है कि जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं उसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, उससे फैमिली बंधी रहती है, जुटी रहती है. और उस आई थिंक मेरा यही रहेगा कि आप प्लीज़ सारे जो हमारे हिंदुस्तानी ट्रेडिशंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, इन्जॉय करें. करेक्ट. और हमने बहुत ही फन किया साथ में, मतलब खाली करवा चौथ डिड नॉट सीम लाइक करवा चौथ, और काफ़ी मज़ा आया. एंड कर ही लेते हैं, लेकिन रिचुअल ये नहीं होता कि गौतम मेरे लिए फास्ट रखे और उसने रखा. इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई वाज एक्चुअली वेरी टच. वो तो मैंने रोना धोना किया नहीं अब कैमरा पे, पर मैं बहुत भाग्य है आपका कि आपको मेरे जैसा पति मिला. हाँ, आई ऑल्सो अग्री टू दैट. और गौतम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मुझे हमेशा खुश कर ही देता है. एंड मैं भी
सब दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि होप आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा एंड आपको देख के उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें करके मज़ा आया. एंड जिन लोगों का पहला करवा चौथ है उनके लिए ऑल द बेस्ट और भूखे प्यासे रहने के लिए. और आई होप सबको ऐसा पति मिले, बहुत अच्छा लड़का है ये.